लोखंडिया मोती माता मेले में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। जिले में सबसे बड़ा मेला माने जाने वाले लोखंडिया मोती माता मेला लगाया जाता है। यहाँ 8 दिन पहले से ही दुकानदार अपनी दुकानें लगाना चालू कर देते हैं। इस मेले में दूर दराज से व्यापारी अपनी दुकानें लाते हैं। इस मेले में बड़े झूले, मौत का कुआं जैसी कई बड़ी बड़ी दुकानें लगाई जाती हैं। पंचायत सचिव ईश्वर चौधरी ने बताया, पंचायत की ओर से पानी, शौचालय जैसी सुविधा पर हम नज़र रखे हैं। इस मेले में 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आने की संभावना है। मेला लगने से गांव वालों को भी रोज़गार मिल जाता है। सरपंच प्रतिनिधि रामदास भाई ने बताया, मेला 6 जनवरी से शुरू होगा। इस मेले में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। पुलिस भी लगातार गश्त करेगी। देखिए सर, प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री मोती माता का मेला 6 जनवरी को लगने जा रहा है। हर वर्ष की बात ही, मेले के अंदर पानी की व्यवस्था होती है, पार्किंग की व्यवस्था रहती है, बिजली की व्यवस्था रहती है ग्राम पंचायत की ओर से और मेला समिति की ओर से। तो मेला मतलब ये मोती माता का भरता है, तो कितने सालों से भरते आ रहा है मोती माता का मेला? की मान्यता है सर, लगभग 200 वर्ष से मेला चले आ रहा है। पहले काफी छोटे स्वरूप में ये मेला लगता था, लेकिन हर साल प्रतिवर्ष ये मेला अधिक से अधिक स्वरूप में बढ़ते जा रहा है। और पिछले 2 वर्ष कोरोना की वजह से ये मेला नहीं लग पाया था, लेकिन इस वर्ष इस तरह से मेला लगेगा कि ये इतिहास का सबसे बड़ा मेला होने जा रहा है। कितने लोगों की आने की संभावना है यहाँ पे सर? लगभग ये 7 दिनों के अंदर 7 से 8 श्रद्धालुओं की लगभग आने की यहाँ पे उम्मीद है हमको। और प्रतिवर्ष जो श्रद्धालु आते हैं उससे कहीं अधिक, क्योंकि ये मोती माता के पास जो भी हमारी मन्नत होती है वो लगभग पूरी होती है। 7 से 8 लोग आने की संभावना है। 7 से 8 लाख बिल्कुल श्रद्धालु। अच्छा, आपका नाम और पद? ईश्वर महाजन, मैं ग्राम पंचायत सचिव लोखंडिया। और क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं? यहाँ श्रद्धालु के लिए है, राज का व्यवस्था है, अपने अपने स्वयं कर सकते हैं जी। नशे को लेकर भी क्या है, नशा पे पाबंदी लगाई गई आपके द्वारा? हाँ, नशे के लिए तो पाबंदी लगाया है यहाँ पर समिति द्वारा, जैसा कि बड़े बड़े अधिकारी आए और यहाँ पर शराब के लिए पाबंदी लगाई। आप लगभग हर मेले में यही होता है कि पाबंदियां लगती है लेकिन तो भी बिकती है, तो इस बार रोकने के लिए कुछ अलग से प्रयास होंगे क्या? नहीं, प्रशासन से हमने बात किया है, लेकिन आगे आप प्रशासन क्या व्यवस्था करता है इसके बारे में वो करेगी व्यवस्था। ग्राम पंचायत के जो सरपंच सचिव है और पंच है, इनको क्या जिम्मेदारी दी गई है मेले को लेकर? मेले को लेकर पानी का व्यवस्था करना है, पार्किंग की व्यवस्था करना है, हाँ क्या क्या हो रहा है इसके लिए निगरानी के लिए, रेख देख के लिए रखा गया, समिति बना हुआ है। कितनी दुकानों का आवंटन हुआ है अब तक? अब तक के आवंटन करने वाला हमारा सरपंच है जी, हमें तो नहीं पता है। अमूमन कितनी दुकानें लगती है यहाँ पे? 30 किलोमीटर दूर ग्राम मोती माता लोखंडे में यहाँ मोती माता मेला लगने वाला है 6 तारीख से। और जिले में मोती माता मेला जो है बहुत फेमस है और यहाँ पूरे दुनिया के भक्त लोग आके और दर्शन करते हैं और बड़ी मन्नतें यहाँ मानते हैं, जिनकी मन्नतें भी यहाँ पूरी होती है। ब्रह्मपुर से वाई साहब राइट न्यूज चैनल के लिए सकीर।